बैरिस्टर गौहर खान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में सिर्फ वो लोग जाएं जो लोगों के मैंडेट पर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मर्तबा फिफ्थ जनरेशन वाली रिगिंग हुई है। असल मकसद तो यह है कि पार्लियामेंट मजबूत हो, किसी का मैंडेट चोरी करके पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था आइए आपको सुनाते हैं। कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें बिल्कुल धांधली हुई है, और इस मरतबा तरीकेकार जो अडॉप्ट किया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो ये था कि बाद में जब सारा कुछ पीसफुली हुआ और फॉर्म बने और प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिजल्ट तैयार किया, उस रिजल्ट को फॉर्म करके उससे प्रोविजनल रिजल्ट नहीं तैयार किया गया, तो ये एक नए किस्म का एक फिफ्थ जनरेशन रिगिंग हुई है, इसलिए नहीं होनी चाहिए। देखो असल मकसद ये है कि ये पार्लियामेंट मजबूत हो, और यही मकसद होता है जमहूरियत का। इसके इस पार्लियामान के अंदर सिर्फ वो लोग जाएं जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कह सकता है। ये वो सूरत मुमकिन है जब उसके पास मैंडेट हो। किसी का मैंडेट चोरी करके सीवान में एंटर होना ये जमहूरियत के रूह के मनाफी।